हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार राजा स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है एसबी ऑर्डर नंबर 5 के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जो कि 2023 का है। 31 मार्च 2023 को ये रिलीज हुआ था। इससे पहले हम लोगों ने एसबी ऑर्डर नंबर 3 किया था, और एसबी ऑर्डर नंबर 4 को हम लोग छोड़ रहे हैं। क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि एसबी ऑर्डर नंबर 4 है, जो कि 2023 में रिलीज हुआ था, इसमें आपको जो इंटरेस्ट रेट्स है उन इंटरेस्ट रेट्स के बारे में बताया गया था। जैसे पीओएसपी अकाउंट पर कितनी इंटरेस्ट रेट है, सुकन्या समृद्धि अकाउंट पर कितनी इंटरेस्ट रेट्स है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स अपने को अपडेट याद रखनी है। इसीलिए जो एसबी ऑर्डर नंबर 4 है 2023 का, उसको पढ़ने का अब कोई सेंस रहा नहीं है, इसीलिए हम उसको छोड़ते हैं। अभी हम लोग करेंगे एसबी ऑर्डर नंबर 5 के बारे में चर्चा करेंगे। और 5 एकदम शानदार एसबी ऑर्डर नंबर है, जो कि आप लोगों को याद रखना चाहिए, और इसके बारे में आपको बहुत सारी जानकारी होनी चाहिए। सब्जेक्ट क्या है इसका? सब्जेक्ट है इसका इंट्रोड्यूशन इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्कीम महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट 2023, सर्कुलेशन ऑफ नोटिफिकेशन रिगार्डिंग। इसका क्या है कि हमारे पास में अभी तक जो नेशनल सेविंग स्कीम्स थी, नेशनल स्मॉल सेविंग स्कीम्स थी, उनमें एक नई एक स्कीम जोड़ी गई, जिसे हम लोग MSSC के नाम से जानते हैं, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट, महिला सम्मान बचत पत्र 2023 के नाम से हम लोग इस स्कीम को जानते हैं। ये एक नई स्कीम है, नई योजना है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान रखें कि ये कहाँ से अप्रूव हुई है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने आपको एक नोटिफिकेशन जारी किया है, और 31 तीन 2023 को जारी किया था, और उसमें महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम 2023 के बारे में बताया गया। तो इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले जानेंगे टाइप ऑफ अकाउंट, यानी कि अकाउंट कितने प्रकार के होंगे। तो अकाउंट 2 प्रकार के होंगे, पहला है सिंगल, दूसरा है ज्वाइंट। सिंगल अकाउंट किन के खोले जाएंगे? सामान्यतः जो अकाउंट्स होते हैं वो सिंगल और ज्वाइंट होते हैं। मतलब आज तक हम लोगों ने जितनी भी स्कीम्स पढ़ी है, आरडी, एसपी, एसएससी वगैरह जितनी भी स्कीम्स पढ़ी है, उनमें 2 तरीके के अकाउंट्स होते हैं, एक तो है सिंगल, दूसरा है ज्वाइंट। लेकिन इस स्कीम के जो सिंगल और ज्वाइंट है, इसको आप लोग ध्यान से देखें। इस स्कीम में सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के या वुमेन्स के, लड़की या वुमेन का मतलब है कि जो फीमेल है, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के खाते खोले जा सकते हैं, जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है। तो या तो जो अकाउंट है वो सिंगल खोला जाएगा, तो वो लड़की के नाम से खोला जाएगा, या फिर किसी महिला के नाम से खोला जाएगा। और जब ज्वाइंट अकाउंट खुलेगा तो वो किस तरीके से खुलेगा? ज्वाइंट अकाउंट खुलेगा मतलब अगर लड़की माइनर है तो उस के गार्जियन के थ्रू अकाउंट खुलेगा। माइनर अगर लड़की है तो उस केस में गार्जियन के थ्रू अकाउंट खुलेगा, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। सिंगल अकाउंट होल्डर जो टाइप का अकाउंट है, या तो वो 31 तीन 2025 तक या उससे पहले। कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब ये है कि ये जो स्कीम है 31 तीन 2023 को जारी हुई थी, और ये जो स्कीम है वो 31 मार्च 2025 तक रहेगी। इसके बाद में इस स्कीम पर क्या होगा, इसका अभी तक कोई डिसीजन नहीं है, लेकिन फिलहाल आप ये समझे कि ये जो स्कीम है वो 2 साल के लिए चलने वाली है, 2 साल के लिए चलेगी। इस तारीख को, यानी कि 31 मार्च 2025 या इससे पहले, जितने भी अकाउंट खुले, चाहे वो सिंगल खुले लड़की के नाम से खुले, या किसी महिला के नाम से खुले, या फिर माइनर कर रहा है, लड़की छोटी है, माइनर है, तो उस केस में गार्जियन के थ्रू अकाउंट खुले, तो ये सिर्फ और सिर्फ 31 मार्च 2025 तक ही पॉसिबल है। इसके बाद में इस स्कीम का क्या होगा, ये आगे एक्सटेंड होगी या फिर ये बंद होगी, इसके बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता है। डिपोजिट्स कैसे होंगे? डिपोजिट्स का मतलब है कि स्कीम, चलो मान लिया कि इसमें सिंगल अकाउंट खोलेगा, ज्वाइंट अकाउंट खोलेगा, तो माइनर थ्रू गार्जियंस खोलेगा, लेकिन इसमें कितने पैसे जमा करने होंगे, पैसे कैसे जमा करने होंगे, क्या एक बार में पैसे जमा होंगे या मंथली जमा होंगे, किस तरीके से जमा होंगे, इसके बारे में जानते हैं। तो इस स्कीम में जो अकाउंट्स है उनमें जो पैसा जमा होगा वो एक बार में जमा होगा। मिनिमम आप लोग इस अकाउंट को 1,000 रुपए से खोल सकते हैं, अधिकतम 2 लाख रुपए तक खोल सकते हैं मिनिमम।
मिनिमम 1,000 रुपए पे खोल सकते हैं, 1,000 के मल्टी 100 के मल्टीपल में खोल सकते हैं, 100 के मल्टीपल में खोल सकते हैं, और 2 लाख से ज्यादा का नहीं खोल सकते हैं, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। एक बार अगर आपने एक अकाउंट खोल दिया तो उसमें अन्य कोई जमा नहीं हो पाएगा। इसका मतलब है कि हमारी जो टाइम डिपोजिट के जो अकाउंट होते हैं, टीडी जो अकाउंट होते हैं, ये लगभग वैसी ही स्कीम है। मिनिमम खाता 1,000 से, 100 के मल्टीपल का मतलब है कि खाता 1,000 के बाद 1,100 का, फिर 1,200 के, फिर 1,300, इस तरीके से अकाउंट खोले जाएंगे। कोई भी खाता 50 के मल्टीपल में खोलना पॉसिबल नहीं है, यानी कि 1,410 या 20 या 1,450, 1,460, इस तरीके से अकाउंट नहीं खोलेंगे, इस बात का तो ध्यान रखिएगा। अकाउंट 100 के मल्टीपल में खुलेंगे, मिनिमम 1,000 से खुलेगा, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। इस अकाउंट की एक बात और आप लोग ध्यान रखें कि मान के चलते हैं कि किसी लड़की के अकाउंट, किसी लड़की के नाम से 1,000 रुपए का कोई खाता खोला गया, तो इस लड़की के नाम से एक और जो खाता है वो अधिकतम 1,90,000, 1,99,000, 1,99,000 का मतलब है कि अधिकतम 2 लाख रुपए ही किसी एक लड़की या किसी एक महिला के नाम से जमा हो सकते हैं, चाहे वो खाता एक बार में खोला जाए 2 लाख रुपए का, चाहे 1,000 के मल्टीपल में, 1,000 के बाद में फिर 100 के मल्टीपल में खोला जाए, चाहे अकाउंट कैसे भी खोले जाए, लेकिन एक लड़की के नाम से या एक महिला के नाम से अधिकतम 2 लाख रुपए के अकाउंट खोले जा सकते हैं। साथ के साथ इस बात का भी ध्यान रखें कि एक अकाउंट ओपन होने के बाद में दूसरा जो अकाउंट होगा उनके बीच में 3 महीने का गैप होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि एक अकाउंट आज किसी ने 1 लाख रुपए का खोला, उसी नाम से दूसरे दिन एक अकाउंट 1 लाख से खुल जाए, ऐसे पॉसिबल नहीं है। दो अकाउंट के बीच में कम से कम 3 महीने का गैप होना अनिवार्य है, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। 2 लाख रुपए से ज्यादा जमा नहीं हो सकते किसी भी अकाउंट में, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखें। इंटरेस्ट रेट क्या रहेंगे, इंटरेस्ट के बारे में चर्चा करें, और इंटरेस्ट रेट कितनी है, तो इंटरेस्ट रेट है इसका 7.5% सालाना, 7.5% वार्षिक रूप से इस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगी, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। और इंटरेस्ट किस अकाउंट में जाएगी आपकी, पीओएस अकाउंट में, पोस्ट ऑफिस का जो सेविंग अकाउंट है उस अकाउंट में आपकी जो इंटरेस्ट है वो जमा होगी, इस बात का आप ध्यान रखें। नेक्स्ट विड्रॉल के बारे में जाने कि इसमें से, इस अकाउंट में से विड्रॉल किस तरीके से होंगे, विड्रॉल फ्रॉम अकाउंट, विड्रॉल कैसे होंगे। विड्रॉल में है कि जो अकाउंट है अगर विड्रॉल के लिए एलिजिबल है, योग्य है, तो इसका मतलब है कि आप लोग जो भी आपका एलिजिबल बैलेंस है उसका 40% आप लोग ले सकते हैं। कब ले सकते हैं, आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ द अकाउंट। इसका मतलब है कि अकाउंट ओपन होने के, खाता खुलने से 1 साल बाद, खाता खुलने के 1 साल बाद अगर आपको उसमें से विड्रॉल लेना है तो उस अमाउंट का 40% आप लोगों को विड्रॉल मिल सकता है। और उस केस में आपको क्या करना है, ये तो माइनर के केस में है कि आपको एक सर्टिफिकेट देना है, बाकी आप लोगों को एक विड्रॉल फॉर्म मिलेगा अलग से, इसके विड्रॉल फॉर्म है, उन विड्रॉल फॉर्म पे आप लोग उनका पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट और मेच्योरिटी कितना है, पेमेंट और मेच्योरिटी का जो समय है पहले ध्यान रखें, मेच्योरिटी टाइम पीरियड है 2 साल, यानी कि एक खाता 2 साल बाद परिपक्व हो जाएगा, मेच्योर हो जाएगा, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। 2 साल बाद आपको क्या मिलेगा, अमाउंट प्लस इंटरेस्ट मिलेगा, इस बात का ध्यान रखें। साथ के साथ में कौन सा अकाउंट आपको भरना है क्लोजिंग के लिए, तो फॉर्म 2 भरना है। एप्लीकेशन किस फॉर्म में देनी, फॉर्म 2 में सबमिट कर दी मेच्योरिटी के टाइम तक, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि अपन जो और जो स्कीम्स है नेशनल स्मॉल सेविंग स्कीम्स की बात करते हैं हम लोग, तो उस समय पर हम लोग फॉर्म नंबर 2 नहीं देते हैं मैच्योरिटी के टाइम पर। ये मैच्योरिटी के विड्रॉल के, महिला सम्मान के जो अकाउंट्स के जो फॉर्म है, ओपनिंग के हो, विड्रॉल के हो, मैच्योरिटी के हो, प्री मैच्योर के हो, इनके नंबर अलग है और अन्य स्कीम के अलग है। जब हम लोग फॉर्म्स के बारे में चर्चा करेंगे तब वहां पर आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट प्री मैच्योर कब करवा सकते हैं, तो प्री मैच्योर का टाइम है, प्री मैच्योर का नॉर्मल जो कंडीशन है उसमें आप लोग ध्यान रखें, नॉर्मल कंडीशन में है कि खाता खुलने के 6 महीने बाद, खाता खुलने के 6 महीने बाद आप लोग इसे प्री मैच्योर रूप से क्लोज करवा सकते हैं। और किस केस में करवा सकते हैं, ये तो नॉर्मल कंडीशन में, दूसरा अकाउंट होल्डर की डेथ होने के केस में, और अगर कोई ऐसा कोई केस है कि जो अकाउंट होल्डर है
अगर उसको कोई जानलेवा बीमारी है तो उस केस में अगर पोस्ट ऑफिस सेटिस्फाइड हो जाती है तो उस केस में भी आप इस अकाउंट को प्री मेच्योर रूप से क्लोज कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें। प्री मेच्योर पर आपको क्या करना है, प्री मेच्योर पर आप लोग ध्यान रखें विशेष रूप से कि जो इंटरेस्ट रेट्स है वो अन्य जो केसेस है वहां पर हम लोग पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट देते हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि इंटरेस्ट रेट 7.5% सालाना थी, इसमें से 2% कम करके यानी कि 5.5% मासिक रूप से आप लोगों को इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे, 2% आपको लेस करके देना है जो भी इंटरेस्ट रेट चल रही है उसके लिए, ठीक है। तो इसका भी आप लोग ध्यान रखें। और उसके बाद में फॉर्म कौन कौन से हैं, तो देखो वेरियस जो फॉर्म है जैसे SBAOF है, उसके बाद SB7C है, SB7A है, SB7B है। 7C किसके लिए, विड्रॉल फ्रॉम द अकाउंट के लिए है, प्री मेच्योर के लिए। 7B है मैच्योरिटी क्लोजर फॉर्म, कौन सा 7A है, ये तो अपन नॉर्मल जो यूज करते हैं ग्लोबल अकाउंट है। तो अभी तक आप लोगों ने इसमें क्या देखा कि इस स्कीम को सबसे पहले आप लोग ध्यान रखें किस नाम से जानते हैं, इस स्कीम को महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम 2023 के नाम से जानते हैं। एसबी ऑर्डर नंबर 5/2023 यानी कि 5वें नंबर का एसबी ऑर्डर जो कि 2023 में रिलीज हुआ था, ये इससे संबंधित है। दूसरा पॉइंट याद रखें। तीसरा, इस अकाउंट को आप लोग मिनिमम 1,000 रुपए से खोल सकते हैं और 100 के गुणक में खोल सकते हैं, 100 के मल्टीपल में खोल सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें। मिनिमम जमा कितना है, मिनिमम जमा 1,000 रुपए है और मैक्सिमम की जो जमा की लिमिट है वो कितनी है, 2 लाख रुपए है। सिंगल अकाउंट खोला जाए या माइनर का है तो गार्जियन के थ्रू खोला जाए, जैसे ज्वाइंट भी कह सकते हैं आप लोग, इस तरीके से कैसे भी खाते खोले जाए। तो इन केसेस में आपको ध्यान रखना है कि एक लड़की के नाम से या एक महिला के नाम से आप लोग अधिकतम 2 लाख रुपए ही जमा कर सकते हैं। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे, 2 लाख रुपए भी जमा कर सकते हैं, 2 लाख की लिमिट है। और इस पर इंटरेस्ट रेट कितनी है, 7.5% वार्षिक इंटरेस्ट रेट है। प्री मेच्योर रूप से आप लोग पहले मेच्योरिटी की बात करें, मेच्योरिटी कितनी है इस अकाउंट की, तो 2 साल है। प्री मेच्योर के लिए समय क्या है, तो प्री मेच्योर के लिए समय वो 6 महीने है। प्री मेच्योर पर इंटरेस्ट रेट कितनी मिलेगी, जो इंटरेस्ट रेट चल रही है उसका -2% यानी कि 5.5% आज की डेट के अकॉर्डिंग। तो ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है, यहाँ से प्रश्न आप लोगों के बन सकते हैं और हो सकता है कि यहाँ से बहुत अच्छा प्रश्न आपको देखने को भी मिले। फिलहाल के लिए इस वीडियो को करता हूँ मैं एंड, ये है इस वीडियो का, धन्यवाद।